बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसी मक्खन तो घ्यो तो कई बार बनाया होना है, लेकिन घ्यो तो मक्खन बहुत घट बनाया होगा। अज असी तुहानू घ्यो तो मक्खन बनाने का तरीका दसांगे। तरीका बिल्कुल आसान है। तो जिहड़ा है घ्यो तो मक्खन बनना है, इनू मार्जरीन भी कहिंदे आ। बेकरी दे मुख्तलिफ आइटमां च इस्तेमाल हुंदा है। केक, बिस्किट, रस वगैरह का जदों तुसी डो बनानी आ, तो उदों तुसी इस मक्खन नू इस्तेमाल करना है। इहदे नाल बड़ा अच्छा रिजल्ट आउंदा है। सब तो पहले किसी बर्तन में तुसी घ्यो पा लो। तो घ्यो किसी भी कंपनी का कोई भी बनस्पति तुसी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तकरीबन बर्तन में कोई 700 ग्राम के करीब घ्यो पा रहा। इस घ्यो नू बर्तन च पा के चंगी तरह गर्म कर लेना। एन जो फुल गर्म हो जाए फिर तुसी एक बर्तन में पानी थोड़ा जहा पा लेना, तो बर्फ पा लेनी। तो उस तो बाद गर्म किया हुआ घ्यो तुसी इस बर्फ वाले पानी शामिल कर देना। असी 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके घ्यो नू शामिल करना है, तो उन्होंने फिर नाल दी नाल हिलाई जाना है। देखो घ्यो फौरी तौर पर जमना शुरू हो गया। हुण असी होर थोड़ा जिहा घ्यो शामिल कर लैंदे हां। जिहड़े दोस्त मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो उन्होंने मेरे चैनल हजे तक सबसक्राइब नहीं किया, तो वह चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लैन। तो नाले बैल आइकान दबा दिओ ताकि मेरी जो कोई नवी वीडियो आए तो वह तुहाडे ताईं फौरी पहुँच जाए। असीं सारे घ्यो थोड़ा थोड़ा करके इस बर्फ वाले पानी शामिल कर देना। मैंने बर्फ थोड़ी जी घट लगती है, तो असीं इहदे च बर्फ होर ज़्यादा शामिल कर लैंदे हां। देखो यक लखत घ्यो नू चंगी तरह ठंडा करना। थोड़ी देर हिलाउण तो बाद जदों घ्यो अच्छी तरह जम जाए तो इहनू तुसीं कोई 4-5 घंटे वास्ते पै रहण देना। चमच नू अच्छी तरह साफ करके तो असीं इहनू लदा कर लैंदे हां, तो इहनू कोई 4-5 घंटे वास्ते इदां ही पै रहण दिंदे हां। हुण काफ़ी टाइम हो गया घ्यो साडा बिल्कुल ठंडा हो गया, तो इहनू इसे तरह ही हाथ दे नाल निचोड़ निचोड़ के बाहर कर लेना। इस तरह पेड़े बना बना के तुसी इहनू बाहर कर लेना। तुहाडा इह मक्खन तैयार हो गया, तुहाडा इह मार्जरीन तैयार हो गया। इहनू किसी बर्तन में असीं प्लास्टिक बिछा के तो उहदे विच रख लैंदे आ ताकि इहदी एक बेहतरीन जी टिक्की बन जाए। प्लास्टिक उत्ते दौरा कर देने। इनू दबाना शुरू करते हैं, तो दबा दबा के इनू अच्छी तरह प्रेस कर दें ताकि साढ़े इस बर्तन में घ्यो अच्छी तरह फिट हो जाए। इस तरह प्रेस करके तो सारी की तह चंगी तरह बना लो। बना के तो फ्रिज रख दो। जो अच्छी तरह ऐन जम जाए तो फिर तुम इन टुकड़ियाँ बना लो, कट लो या ना कट्टो, अपनी जरूरत के मुताबिक इनू फिर इस्तेमाल कर लेना। मार्जरीन साड़ी तैयार हो गई है, घ्यो तो मक्खन साड़ा तैयार हो गया। हुण असीं इहनू कट के देखते हैं। बहुत प्यारी कटिंग हो रही है, देखो बड़ा अच्छा तो बड़ा ज़बरदस्त साड़ा मार्जरीन तैयार हो गया। मक्खन भी कह सकते हैं इहनू। मेरी वीडियो में पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।